नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम आपको दिखा रहे हैं 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, आज 1 जुलाई 2018 को पूरा एक वर्ष हो चुका है जीएसटी लागू हुए। उस समय रात 12 बजे मोदी जी का ये कहना था, एक कर एक देश की बात कही थी और स्वतंत्रता के बाद कर में इस तरह से परिवर्तन होना, देश का जो विकास है वो तीव्र गति से होना, उन्होंने इस तरह की कुछ बातें कही थी। आज आपको दिखाते हैं सिरसा जिले के जो व्यापारी हैं उन्होंने क्या कहा एक वर्ष पूरा होने पे जीएसटी को। अभी हमारे साथ जुड़े हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हीरालाल शर्मा जी, ये हमें बताएंगे जीएसटी को एक साल हो गया है तो व्यापारियों पे जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है। नमस्कार सर। जीएसटी को लगाए हुए अभी एक साल हुआ है और जबकि सरकार जब जीएसटी लगाने जा रही थी सभी व्यापारियों को यही बात तय करिए लगा रही है, हम एक इसका स्लैब एक होगा। हमने सोचा भी इसका स्लैब एक होगा, 2% या 4% या 10% तक जो भी होगा, लेकिन सरकार ने 4-4, 5-5 स्लैब लगा दिए, 0, 2, 4 और 12 और 18 और 28। और 28% या ये भी किसी भी कंट्री में किसी भी देश में इतना जीएसटी लगा। और ये बाकायदा कहा गया था भी हम जीएसटी बड़ी हम इंस्पेक्टरी राज खत्म करेंगे, जबकि आपको इस बात का शायद पता भी होगा जीएसटी एक साल लगने होने तक इंस्पेक्टरी राज डबल हो गया। सेंटर का जीएसटी का जो है वो उसमें उनके इंस्पेक्टर यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, दूसरा यहाँ जो हरियाणा है ही यही, तो इससे व्यापारी बड़ा परेशान है। व्यापारी सोच रहा था अभी सरकार ये जो करने जा रही है जीएसटी ये बहुत आसान होगा, बल्कि इससे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगा। लाखों रुपया साल का एक व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है उसके लिए, अपने सीए के लिए, और जीएसटी जो एक आम व्यापारी जो रोजमर्रा का बेचारा अपना कमाई भी नहीं होती थी उससे, जितनी बेचारे की उसकी सेल नहीं होती उसको उतना उनको वकीलों को और सीए को और प्लस जो उसका जो मुनीम है जो अकाउंट है जो मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो सिर्फ उस पर नहीं हो रहा, वो सारा कंप्यूटर के हो जाए। और ये कहते हैं ई बिलिंग कहाँ से होगी, ई बिलिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारा नेटवर्क यहाँ सही नहीं है जी। अगर हम जाते हैं कई बार बैंकों में जाते हैं तो हमें 4-4, 5-5 घंटे पेमेंट नहीं मिलती, क्यों, या फिर आरटीजीएस भी होती क्योंकि जी अभी नेटवर्क डाउन है। तो जहाँ ये विदेशों की हमने बात तो कर ली, विदेशों में 7G चल रहा है, 6-7G चल रहा है, यहाँ 4G भी सही नहीं चल रहा, 3G भी सही नहीं चल रहा, तो कहाँ से हम ये काम कर पाएंगे। तो हमें 2-2, 3-3 दिन इसकी वेट करनी पड़ती है ईवीएम को जाने के लिए, ई बिल को। तो ये भी एक फंडा है, ये भी एक हमारे पे एक बहुत ईवी बिल, ये जो कह रहे हैं 50,000 से, इससे हमारे बहुत इसलिए फंडा पड़ रहा है। अधिकारी कहते हैं ये 45,000 का माल, हम कहते हैं 45,000 का माल हमारा बिल है, और वो कहते हैं ये ई बिल में आएगा ये ज्यादा का माल है, अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू क्या है इसको वो उसको डिटेल कर देते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं वीरभान मेहता जी, जो हमें बताएंगे जीएसटी को लागू हुए पूरा एक साल हो गया है इससे व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये व्यापारियों पे तो बहुत बुरा असर पड़ा है, इस पे व्यापारी बहुत परेशान है और हर व्यापारी क्लर्क बन गया है, जो बेचारा कम पढ़ा लिखा था उसको मुनीम रखने पड़ गए और भारी बोझ पड़ा है, और उसके बाद में काम पे भी असर पड़ा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से काम किया जाए, क्या करें, टैक्स बहुत ज़्यादा है और उस टैक्स से महंगाई भी बढ़ी है और व्यापार पे बहुत असर है। और व्यापार मैं तो समझता हूँ कि तकरीबन आधा व्यापार रह गया है, बहुत लोग दुखी। सर, जीएसटी को लागू हुए एक साल हो गया 1 जुलाई को, सर व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ा है? आज से पहले कभी भी कपड़े पे टैक्स नहीं था और आप भी जैसे कि कपड़े के व्यापारी हैं तो अब कपड़े पे भी टैक्स है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। इससे पहले जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था कपड़े, जिससे व्यापारी भी खुशहाल था। अच्छा, और जो इतना टैक्स लगने के बाद व्यापार बिल्कुल ठप हो गया और जीएसटी के बारे में अभी तक व्यापारियों को कुछ पता भी नहीं। इसके कारण व्यापारी परेशान होने के कारण माहौल इतना ख़राब हो गया है, आज दुकानें बंद हो रही हैं, धंधा है नहीं, स्टाफ भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, इसको लगाकर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिससे आदमी उठ नहीं सका जी। ना उठने की हिम्मत है। यदि जीएसटी ऐसे ही आगे भी चलती रही तो क्या व्यापारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापारी भी ये होगा दुकानें बंद हो जाएंगी,
भुखमरी होगी जिससे वो वाली परेशान होगा।